नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमें हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और दूसरों से शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं स्मिता अलोनी जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन, आपका बचपन, अब इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे जागी, उस विषय में आप दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मैं स्मिता अलोनी आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। गोविंद जी, आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा संक्षिप्त परिचय मैं आपको दूंगी। मेरा जन्म इंदौर में हुआ है, मध्य प्रदेश में, और स्कूलिंग अगर आप पूछें तो प्रारंभिक शिक्षा मेरी कई जगहों पर हुई। कुछ साल इंदौर में, फिर कानपुर में, फिर राजस्थान में, उसके बाद फिर इंदौर, और अगली शिक्षा फिर मेरी नागपुर महाराष्ट्र में हुई। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे हम घूमते रहे, अलग अलग संस्कृतियों से मुलाकात हुई, अलग अलग लोगों से मुलाकात हुई, खान पान रहन सहन सभी का। लेकिन कला के बारे में रुचि मेरी बहुत बचपन से थी, बहुत ही कम उम्र से थी। मेरी अगर मैं याद करूं तो पहली गुरु मेरी नानी थी, जो सुबह सुबह रंगोली बनाया करती थी और वो मुझे पास में बिठाती थी कि तुम देखो कैसे बन रही है, आज हम ये रंगोली बना रहे हैं। वो मुझे थोड़ी सी देती थी खेलने के लिए कि शायद मैं थोड़ी सी उससे लाइन बना लूँ या कुछ बना लूँ। बस वहीं से मेरी शुरुआत हुई इस यात्रा के लिए। जी, और जैसे फैमिली का थोड़ा सपोर्ट होता है तो कोई भी इंसान कलाकार व दूसरी विधाओं में बहुत आगे की एक सफ़र तय करने के लिए हमेशा प्रेरित होता ही है। और अब हम आगे जानना चाहते हैं, जैसे आप फड़ पेंटिंग करती हैं तो क्या उसमें कोई भी स्टोरी को लेके काम किया जा सकता है, और इन चित्रकला में, इन विधा में आपने किससे शिक्षा ग्रहण की, उस विषय में भी ज़रूर दर्शकों को कुछ अवगत कराइएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, बचपन से ही मैं कई अलग अलग तरह की कलाएं सीखती रही, और बाद में जाकर मैंने ऑयल पेंटिंग में काफ़ी सारे काम किए। उस समय एक्रिलिक होता नहीं था, लेकिन एक समय में जब मैं इंदौर आई हुई थी तो मेरी मुलाकात वहाँ मेरे गुरु श्री कल्याण जोशी जी से हुई, जो प्रेसिडेंट अवार्ड विनर हैं, और उनका काफ़ी सारा मतलब काम भी है और उनकी तो कई पीढ़ियां ये काम करती आ रही हैं। तो इसीलिए फड़ पेंटिंग को ट्रेडिशनल आर्ट कहा जाता है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी, एक के बाद एक दूसरी पीढ़ी इस काम को चलाते हैं। तो 700 साल से कल्याण जोशी जी के परिवार में ये काम चल रहा है। तो मैंने उन्हीं को अपना गुरु बनाया, और वो पेंटिंग जो उसके रंग हैं या जो उसकी आप कहें जो अनुरूप है, जो उसका रूप है, वो देख के ही मुझे ऐसे लगा कि शायद यही है जो मैं कई कई साल कर सकती हूँ। और बस उसी समय से आज तक, अब मुझे 20 साल हो गए हैं, 22 साल शायद हो गए हैं, और मैं वही काम आज तक करती हूँ। वैसे तो इसके ट्रेडिशनल विषय अलग होते थे, जैसे बाबूजी की कथा होती थी जो वहाँ के लोकल हीरो हैं, तो उन्हें डाइटी, लोकल डाइटी या लोकल आप कहें भगवान की तरह पूजा जाता है। तो बाबूजी और देवनारायण जी की कथाएं लोग गाते भी हैं और पेंट भी करते हैं, लेकिन आजकल उसमें कई सारे और विषय भी जुड़ गए हैं। तो आप जिस कहानी पर चाहें उस कहानी पर ये बनता है। जी स्मिता जी, अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि जैसे जितना कि मुझे पता है फड़ को गाया जाता था, या जो हम जब बड़ौदा में थे तो कुछ कलाकार आते थे उड़ीसा से, वो लोग गा के इन फड़ पेंटिंग्स को ऐसे शो करते थे, तो क्या संगीत और फड़ का क्या कनेक्शन है, उस विषय में थोड़ा डिटेल में बताइएगा, और इसको किस तरह से इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंटल की अगर संभावना है, जैसे पहले का एक ट्रेडिशनल जो स्टोरी नरेशन होता था, क्या आज के समय में भी इस तरह की चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है या करते हैं, उस विषय में भी ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा दर्शकों से। ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा।
क्योंकि फर पेंटिंग तो ऐसा है कि इसका संगीत के कारण चित्रकला का जन्म हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही अभिन्न अंग आप कह सकते हैं। क्योंकि जब तक कथा गाई जाती थी पहले, तो गाई जाने वाली कथा के कारण ये चित्र रंगने लगे, और जो चित्र और संगीत ये दोनों को मिलाकर ही फड़ संपूर्ण होता है। तो कहानी के बिना ना तो संगीत है इसका और ना ही चित्र है। तो ये बहुत ही टिपिकली एक आप कह सकते हैं कि ये कहानी के ऊपर आधारित पेंटिंग होता है। तो इसमें कहानियाँ शुरू में तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल होती थी, आजकल सभी अलग अलग तरह की कहानियाँ ली जाती हैं, और मैंने इस पे अपनी तरफ से काफ़ी नया काम किया है। और जो आम लोग हैं, आप जैसे मेरे जैसे, इन लोगों की कहानियों पर आजकल मैं चित्र बनाना शुरू कर रही हूँ। तो काफ़ी एक दो तीन साल से मैंने ये काम चालू किया है कि आप कोई भी कहानी बताएं या कोई भी एक छोटे सा आप किस्सा लें और उसके ऊपर आप छोटी सी फड़ बना लें या बड़ी फड़ बना लें, जैसे भी आपकी कहानी हो। तो ये मैंने आजकल चालू किया है। और संगीत, मैं एक संगीत की विद्यार्थी हूँ, इसलिए मेरा जो मेरे संगीत गुरु हैं जोगीराज जी, तो उनको भी मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत प्रेरित किया कि आप इस संगीत से लेके कुछ बनाएं। तो मैंने कबीर दास जी के भजनों के ऊपर कुछ चित्र बनाए, फिर उसके बाद मैंने अलग अलग रागों के ऊपर अपनी कल्पना से फड़ की रचना की। तो ऐसा मैंने कई सारा काम अलग अलग ढंग से किया हुआ है। जी स्मिता जी, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल आर्ट है तो अवश्य ये बहुत पुराना है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता हुआ आ रहा है, इसका इतिहास क्या है वो हम जानना चाहते हैं। फड़ का इतिहास जानने के लिए या उद्गम जानने के लिए हमको 750 साल पहले जाना पड़ेगा। उस समय की परिस्थिति जो थी, जब मुग़ल आ गए थे तो मुग़ल गाँव के लोगों की गायें छीन लेते थे और उनको तंग किया करते थे, उनकी संपत्ति हड़प लेते थे, महिलाओं को खतरा था। उसके बाद हमारे अपने समाज की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं थी, उसमें भी कई सारी कुरीतियाँ थी। तो इन सब को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किसी ऐसे की कि जो सुरक्षा प्रदान करे। और बाबूजी और देवनारायण जी जो थे, इन्होंने कई सारे युद्ध भी लड़े मुग़लों से, कई सारे आप जिसको आज कहते हैं सामाजिक कार्य किए, जिससे लोगों को सुरक्षा मिल सके, उनका जीवन अच्छा हो सके। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए न्योछावर कर दिया। तो ये किसी संत से या किसी भगवान से कम नहीं थे लोगों के लिए। तो उनकी प्रशंसा कैसे की जाए? तो उनकी प्रशंसा के लिए उन्होंने एक दूसरे को कहानियाँ बताना शुरू किया, किस्से बताना शुरू किए, लेकिन छोटे छोटे गीतों के रूप में। तो जब गा गा के उनकी प्रशंसा सुनाई जाती थी और उस प्रकार से वो गीत बने, और गीतों से फिर जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी फड़ तैयार हुई। जी, कहीं ना कहीं ये स्टोरी नरेशन और गीत संगीत के आजू बाजू ही इनका इतिहास रहा है। और दूसरा हम जानना चाहते हैं कि जो नए कलाकार हैं वो अगर फड़ में अपना कैरियर बनाना चाहें तो किस प्रकार बना सकते हैं, उस विषय में भी ज़रूर अपना संदेश दीजिएगा उन नए विद्यार्थियों को जो उनको काम आ सके। अब आपने जैसे पूछा कि फड़ में नए कलाकार क्या भविष्य बना सकते हैं, तो आजकल ये जो लोग हर एक यूनिवर्सिटी में या हर एक जगह पे आप देखेंगे कि लोग एक इल्यूस्ट्रेशन का कोर्स करते हैं। तो इल्यूस्ट्रेशन है क्या? बेसिकली मुझे जो समझता है कि किसी चीज़ को अगर आप कहें और उसको रेखाओं में उतार दिया जाए तो वो इल्यूस्ट्रेशन है। तो फड़ तो एक बहुत ही पुराना जाना माना माध्यम है, इलस्ट्रेशन है, कि हमने कहानी बताई और एक कलाकार ने उसको चित्रों में बांध दिया, तो ये मेरे हिसाब से इलस्ट्रेशन है। तो अगर आप उस ढंग से जैसे आप इलस्ट्रेशन यूज़ करते हैं नए बच्चे, उसको अगर आप फड़ को माध्यम बनाएं, तो इससे उम्दा या इससे उत्तम कोई काम हो ही नहीं सकता। इसमें तो मेरे हिसाब से
कोई सीमाएं नहीं हैं। आप जितना नया चाहें काम उतना नया काम कर सकते हैं, हालांकि ये ट्रेडिशनल आर्ट है। तो ज़रूर ज़रूर इस कला को सीखें और कई अलग अलग तरीक़ों से प्रयोग करके इसमें नई नई चीज़ें करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, ये ट्रेडिशनल आर्ट की जो एक गतिविधियां हैं वो बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। इसे कुछ ही लोग कर रहे हैं और जो इस धरोहर को बनाए हुए हैं, तो ज़रूर इसे सीखना चाहिए। कोई स्टूडेंट अगर सीखना चाहे तो बिल्कुल इनको सीखे और अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ाए। और ये पीढ़ी दर चलती आई हैं, तो या सीखेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें आगे बिल्कुल ले ही जा सकते हैं। और स्मिता जी, आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है आने वाले समय में बहुत सारे स्टूडेंट इसके पीछे इस विषय पर काम भी करेंगे और नया फड़ का जो एक इतिहास है उसको बजाए रखेंगे। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना सारा समय दिया, अपना मन लगा के सुना इन बातचीत को। मेरी बात आप तक पहुँचे, इसके लिए जो गोविंद जी ने प्रयत्न किए उसके लिए उनका आभार। और आप सभी ने जो बड़े प्यार से बड़े सब्र से ये सारी बातें सुनी उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये एक उम्दा प्रयास है गोविंद जी का, जिसमें हम सभी कला प्रेमी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ हम आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं। और दर्शकों, हमारा एक और YouTube चैनल शुरू किया है जो गोविंद विश्वास ब्लॉग नाम से है, और दूसरा हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। तो आप लोग जितना प्यार इस चैनल को दे रहे हैं, आप दूसरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दें, हम यही चाहते हैं। और नए नए कलाकारों से जो हम मुलाकात करवा रहे हैं, आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, तो हम अगले जो भी प्रश्न हैं जो भी इंटरव्यूज़ होंगे उसमें हम ज़रूर उन प्रश्नों को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और आपको उस जो भी शंका मन में होगी उसका समाधान ज़रूर हो जाएगा। और इसी के साथ हम आज की इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।